अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फाइनली 2023 का मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो बहुत सारी रीज़न्स थी, सबसे मेन रीज़न यही थी कि स्टडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी, इस वजह से भी व्लॉग नहीं बना सकी। तो आप लोग अब मुझे थोड़ा चेंज देख सकते हैं, चेंजिंग लुक थोड़ी सी। तो आप लोग ने मुझे ये जरूर बताना कि मेरी पहले वाली लुक अच्छी थी, निकाह आपका जो स्टाइल था ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, आज हमारे पेपर्स तो ख़त्म हो चुके हैं, तो उससे एक दिन का हमें बाद में रेस्ट था। और नेक्स्ट दिन फिर हमारी स्टार्ट थी स्पोर्ट्स, तो फिर हम लोग आज जा रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो चले चलते हैं, फिर देखते हैं जी। तो हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, तो ये हमारा जो है मेन गेट, यहाँ पे गार्ड अंकल खड़े होते हैं। सॉरी, मैंने कैमरा यहाँ पे बंद कर दिया कि ये ना पूछताछ करना शुरू कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ महीने पहले इश्यूज़ वगैरह बने थे कि यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ वगैरह नहीं है। लेकिन वो तो अलग बात थी कि उसमें गर्ल्स वगैरह के फेस वगैरह शो किए गए थे और वो काफ़ी सीरियस इशू बना था। तो यहाँ पर मैं टाइम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं कितने बजे यूनिवर्सिटी आई हूँ, 1:30 तक ऑलमोस्ट। तो ये हमारा डोम्स का एरिया है, यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग से स्पोर्ट्स का जो मतलब कि किया गया था रेंज, और दूसरी तरफ वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड में भी बॉयज़ के लिए अलग से था। तो गर्ल्स उधर जा सकती हैं लेकिन बॉयज़ इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। ये एक तरह से नाइंसाफ़ी हो गई, नाइंसाफ़ी नहीं अच्छी बात है वैसे, गर्ल्स के लिए अलग से ठीक है, क्योंकि कुछ गर्ल्स जो वेल वगैरह किया होती है हमें कंफर्टेबली वो अपने एंजॉय कर लेंगी। तो फर्स्ट डे गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह हुई थी, जैसे कि रेस वगैरह जो भी सीन्स थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड वगैरह इतने अच्छे से नहीं किए। और ये सेकेंड डे के था, ये गर्ल्स के लिए अलग से था, इसमें कल्चर डे रिप्रेजेंट किया गया था, पंजाब का कल्चर, सिंध का कल्चर। और लेकिन वो लोग बात है कि मैं इस दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, मैं सिर्फ एक ही दिन गई थी। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड किए थे कुछ क्लिप्स वगैरह, और इस बात का मुझे पूरी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मैंने ये दिन क्यों मिस कर दिया। तो चले खैर, जो अब होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कोई बेहतरी होगी इसमें। तो लेकिन मुझे वीडियोस में देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कितना प्यारा होता अगर मैं खुद देखती और ख़ुद रिकॉर्ड करती, और कितने अच्छे से रिकॉर्ड करती। उनको रिकॉर्ड भी करना नहीं आया, और जाहिर है कि जो एक बंदा व्लॉग बनाता है उसको पता होता है किस एंगल से रिकॉर्ड करना है, लेकिन फिर भी अच्छा हो गया, चले कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ सीन्स, ड्रेसिस वगैरह, तकिए शकिए सब कुछ आपको दिख रहा होगा, बहुत मज़े का लग रहा है वैसे। अब व्लॉग में आप जो भी देखेंगे, ये स्पोर्ट डे का फर्स्ट डे होगा मतलब, तो जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया होगा। तो इसके बाद हम लोग जा रहे थे दूसरी तरफ, एक अलग दुनिया होती है डॉन्स में और दूसरी तरफ एक अलग दुनिया होती है, क्योंकि उधर जो भी हो रहा हो हमें पता ही नहीं चल रहा होता, क्योंकि गाड़ी में जब पता चलता है कि उस तरफ ये लड़ाई हुई है, ये हुआ है, तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पर है। तो इस वजह से तो उसके बाद ये इसके पीछे एक ग्राउंड था, वो फुटबॉल ग्राउंड था, और उसके बाद हम आ गए थे इस तरफ, ये बैंक बिल्डिंग का बिल्कुल सामने ग्राउंड है, यहाँ पे मैचेस वगैरह हो रहे थे क्रिकेट के, और ये साउंड सिस्टम्स और ये सब सीन सबको नज़र आ रहे हैं। और इंतहा की गर्मी, तो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं बस यहीं बैठे हुए हैं, बाकी बेचारे दूर दूर कहीं बिखरे हुए थे, क्योंकि इंतहा की गर्मी तो लोग क्या कर सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ आर्मी के बंदे भी उन्होंने बुला लिए हुए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के इशूज़ यहाँ पर हो सकते हैं माशाल्लाह। तो इंतहा की गर्मी पड़ रही है, जैसे जून जुलाई की गर्मी आज ही सारी पड़ जानी है, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा गर्मियों में क्या बनना है कि हमें तो कोई ऑफ वगैरह भी नहीं होना है, पूरा रमज़ान में भी आना है। जाहिर है कि लास्ट सेमेस्टर्स वालों को कोई ऑफ नहीं होता, उन्होंने जल्दी से कहना है कि आप लोग निकलो यहाँ से डिग्री लेकर, हम लोगों ने फिर आना ही पड़ना है हमें। तो यहाँ पर क्रिकेट के मैचेज़ वगैरह होते काफ़ी ज़्यादा, और कभी किस डिपार्टमेंट किसके साथ, इस वजह से बंदा गर्मी में बैठ के इतना देख तो नहीं सकता। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें फिर कहीं अच्छी सी जगह तलाश की जाए जहाँ पर बैठ के बंदा
दो पल सुकून के गुजारे। और तो इसी क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल सामने कैफेटेरिया है जो कि मशहूर व मरूफ, और यहाँ पे इसके साथ ही बिल्कुल हमें PHD ब्लॉक नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है PHD ब्लॉक की है। तो इसके बिल्कुल साथ में जो कैफेटेरिया है यहाँ पे हम लोग बैठे थे, यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा सीन था एक तरह से। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन इससे कंपेरेटिवली यहाँ पर अच्छा था कि हमने अपने पानी वगैरह पिया और थोड़ा पिक्चर्स क्लिक की जो कि आपको इंस्टा पर मिल जाएंगे एक दो दिन तक। तो ये बहुत ही अच्छा एरिया होता है एक तरह से अगर आपने पिक्चर्स क्लिक करनी हो तो। इसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, भूख लगी हुई थी सुबह से, हमने नाश्ता किया होता है। तो उसके बाद हम लोग आए होते हैं यूनिवर्सिटी, तो ज़ाहिर है फिर कुछ खाना होता है। तो इस तरफ एक कैफेटेरिया था लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं यहाँ की चीज़ें कैसी होती हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर लट्रोवा से खा रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर हमें उस तरफ जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा कैफ़े होती हैं अगर बंदा ढूंढने को टेस्ट बंदा ढूंढे। तो पहले पहले हम लोग ऐसा करते थे कि यूनिवर्सिटी के सारी कैफ़ेज में जाके देखना है कि रोज़ हमने एक्सपीरियंस करना है कहाँ पे अच्छा ज़्यादा अच्छा है। इससे जब आइडिया हो चुका है कहाँ पे चीज़ें अच्छी मिलती हैं तो हम लोग यहाँ पे अब जा रहे थे अपने दोबारा कैफ़े लट्रोवा की तरफ। ये वाले कैफ़े को हम बाय बाय करते हुए वैसे कितना ही ज़्यादा आसान हो जिस तरह बंदा वीडियो बनाते हुए यहाँ से बंदा कहता है यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन वहाँ से यहाँ चल के आने में बहुत ही मुश्किल पेश आती है बंदे को इतनी दूर से। तो यहाँ पे हमने फिर देखा दो बिरयानी वगैरह अच्छी होती है इनकी, तो वो हमने पहले बोली और साथ समोसे जो भी सीन्स थे तो ये हमने ख़त्म किए। और उसके बाद जूस तो मस्ट होता है, तो ये हमारा खाना पीना हो गया। उसके बाद हमने कहा चलते हैं फिर दोबारा से स्पोर्ट्स की तरफ, क्या चल रहा है सब कुछ। ये वाला वो ग्राउंड है जो मस्जिद के बिल्कुल सामने है, मतलब फुटबॉल ग्राउंड। तो यहाँ पे फुटबॉल के मैचेस हो रहे थे जो इनको देखने के लिए मुझे लगता है कोई भी नहीं देख रहा होगा, वैसे बेचारे आपस में खुद ही बेचारे खेले जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग क्रिकेट मैच की तरफ आ गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैचेस चलते रहे, एक टीम विन करी उसके बाद वो दूसरी फाइनल मैच थी। ये सीन शाम तक ये चलता रहा, तो जिसका दिल करता है जहाँ बैठ के जो गेम अच्छी लग रही है बस देखे। और अब यही तो यूनिवर्सिटी लाइफ का मेन फ़ायदा होता है एक तरह से कि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा होता कि आपने यहाँ आना है जाना है, कहाँ मर्जी जो मर्ज़ी बंदा करे चिल लाइफ। और ये मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी और ये लोग ऐसे डांस करें जैसे क्या काम अप में। तो यहाँ शाम तक बस यही चलता रहा, सॉन्ग्स लगे रहे थे और क्रिकेट मैचेस के दौरान जो भी सीन्स थे। और लास्ट पे आप लोगों को एक स्पेशल भंगड़े देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट मैचेस के साथ साथ रेसेस वगैरह भी हुई थी, तो 300 मीटर उसके बाद 1500 मीटर इस तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेसेस हुई थी। तो यहाँ पे एक मैंने व्लॉग में क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे अभी मैच रेस स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक रेस स्टार्ट हो गई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना दो राउंड लगाने थे, तो पता नहीं वो कितने मीटर बन रहा था जो भी है उन्होंने मार्क किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे बस काफ़ी दूर थे जूम जूम करके बना रही थी वीडियो से, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा था इसमें, बस हल्की फुल्की वीडियोज़ वगैरह बनाई यहाँ पर। और ये मतलब कि दो तीन राउंड ये लगा के आए हैं पूरे ग्राउंड के, और इसके बाद देखते हैं फिर कौन विन करता है। ये जीत गए हैं भैया जी, और इनको यहाँ पे अब ये सजदा सजदा करेंगे और चलें जी। मैंने एक बात नोटिस की थी स्टेज में कि जो पहले एक मतलब कि सबसे आगे था ना स्टार्ट में, वो दरमियान में फिर वो थोड़ा आहिस्ता हो गया और ये बंदा जीत गया। और इस तरह ये है कि स्टार्ट में बंदा अगर ज़्यादा जोश दिखा दे तो बाद में बंदा हारने के चांस, इसलिए स्टार्ट से बंदा एक सेम रहे तो सेम एनर्जी रहती है। उसके बाद आप कुछ डांसेस वगैरह भी देख सकते हैं, एंजॉय करें। आप लोगों ने भंगड़े वगैरह एंजॉय कर लिए होंगे। इसके बाद हमारे जाने का टाइम हो गया था, 6 बज गए थे, तो लास्ट में कैफ़े में चक्कर लगाना तो लाजमी होता है हमारा। यहाँ पे हमने कुछ फार्मी शुरू में पकड़े और साथ में हमने कुछ स्लश पकड़ा जो कि मैंगो फ्लेवर था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो उसके बाद हम लोग चल रहे थे अपने कैरी की तरफ। तो आज के व्लॉग में यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा,
और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वो आप लोग नहीं करते तो आप मुझे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि मेरा नेक्स्ट व्लॉग इसी पर हो। तो होप्स आप लोगों को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो आप लोग। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।